विजुअल आर्ट वर्कशॉप में हैं और ये लगभग ख़त्म होने वाला है। अभी हम लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा है वो जैन बी रावांगला की लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मेरे साथ है पूरा टीम, जो टीम ने इस जैन बी का शानदार पेंटिंग स्कल्पचर सब किया है। साथ में आर्टिस्ट मनोज लामा है और मैं तरुण चंद्रा, और मेरे साथ है नया जूनियर क्यूट क्यूट आर्टिस्ट है, उसको साथ आप लोग को मिलाएंगे। अभी देखते हैं सारे आर्टिस्ट यहीं पे। हाय, ये आर्टिस्ट जो है इनका अंदर बहुत टैलेंट है, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये अपना अपना पेंटिंग लेके अभी चलेंगे कहाँ, लाइब्रेरी। तो चलते हैं और देखते हैं लाइब्रेरी में कैसे क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं हमारा आर्ट सर, और इसके साथ साथ हमारा और भी नन्नी मुन्नी जूनियर आर्टिस्ट हैं। हाय करो, हेलो, वाह, हम लोग आ गया लाइब्रेरी में और यहाँ बहुत अच्छा से पेंटिंग डिस्प्ले हुआ है, और ये तीन तो मैन है। बहुत सारे बच्चे जो अच्छा आर्ट वर्क किया है यार, और मुझे लगता है उसको फाइन आर्ट लेके चलना चाहिए। तो इन चीजों से भी बच्चों को लगता है ना, अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है किसी का, किसी को लगता है बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो आगे जाके फिर वो फील्ड चूज करने में उनको आसानी रहती है। बाहर बच्चे ना, उनको बुलाइए ना सर, बाहर बच्चे वो उनको बुलाइए नहीं, और क्या क्या कर सकते उनसे उतरा देते हैं, बताया। अभी देखते हैं, एक दो बच्चे इंटरेस्ट दिखा है सर से संपर्क करने के लिए, और स्कूल में तो कोई भी स्कूल में ऐसा एग्जीबिशन होना चाहिए,
चाहे साल में एक बार ही हो, क्योंकि जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो अपना अपना सब्जेक्ट में दे रहा है, लेकिन जो लोग आर्ट में इंटरेस्ट है उनके लिए तो पूरा साल का एक